के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 Plus Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन को फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फोन को फैक्ट्री रीसेट कैसे करना है और ये भी बताऊंगा कि फोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट या फिर फैक्ट्री रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। लिखना है तो आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका नीचे पेज आता है, इसमें आपको इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फोन को इजीली फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपको फोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए चार बातों का आपको सिंपली ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन का जो सिम कार्ड होता है मोबाइल से बाहर निकाल के रख लेना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में अगर कोई भी मेमोरी कार्ड आपने लगा रखा है तो मेमोरी कार्ड को मोबाइल से बाहर निकाल के रखना है। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन का जितना भी डेटा है ना, जितना भी आपका मटेरियल है फोन के अंदर, वो उस डेटा का आपको ना बैकअप ले लेना है अपने फोन में। और बैकअप लेने का फायदा क्या होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। देखिए चौथी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जो जीमेल आईडी होती है, जीमेल आईडी और जीमेल आईडी का पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, लिख के रखना है, ठीक है। तो ये चार काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को फैक्ट्री रीसेट करना है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए मोबाइल फोन के डेटा का बैकअप लेने का फायदा क्या होता है। देखिए जब आप अपने फोन को रीसेट कर देते हैं ना, फैक्ट्री रीसेट करते हैं, तो आपके मोबाइल फोन के अंदर का जितना भी डेटा होता है सारा का सारा डिलीट हो जाता है। आपका फोन अंदर से एकदम नया हो जाता है, जैसा आप दुकान से खरीद के लाते हैं ना, अंदर से एकदम फोन वैसा नया हो जाता है अंदर से, ठीक है। और देखिए फैक्ट्री रीसेट करने के बाद जब आप अपने फोन में वो पहले वाली जीमेल आईडी को जब दोबारा से लॉग इन करते हैं ना, तो आपके फोन में जितना भी डेटा जो डिलीट हो गया था ना, सारा का सारा डेटा आपका वापस आ जाता है। तो बैकअप लेने का फायदा ये हो जाता है। ये मैंने आपको सारी बातें डिटेल में आपको समझा दी है। तो फाइनली मैं आपको आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके से आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, ठीक है।